वैसे कितने दिन का ट्रिप है? 5 days. ये कार किसकी है? दीदी की. भैया आपने मेरी कार कीज देखी? हाँ? नहीं. पर मुझे घर पे कहीं मिल नहीं रही. वही घर में होंगी कहीं. देखो सच सच बताओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, प्लीज बता दो ना. दीदी एक दिन बस से नहीं जा सकती. बस से? भैया उन्होंने भैया कहा और तुमने दीदी. हम दोनों जुड़वा हैं, पहले कौन पैदा हुआ नहीं जानते. अपनी उम्र कम बताने के लिए वो मुझे भैया कहती है और उसे बड़ा बनाने के लिए मैं दीदी. Your bag. Thanks. पहुंच कर फोन करना. भूलना मत. Sure. Good luck with your ad. Thanks. चलो bye. हरी क्या तुम अपनी बहन को 4 दिन और बस से जाने के लिए कहोगे? मैंने तुम्हारी भी टिकट बुक करवाई है. तुम बुरा ना मान जाओ, ये सोच के मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया. तो तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? पहले बताती तो मैं अपना सामान लेकर आता. उसकी फिक्र मत करो. ऐसे कैसे चलूं? चलेगा, ऐसे ही चलो. Ready? Take. Come. नहीं कोई बात नहीं. क्या एक मिनट इसे हटाने दीजिए. ए, तुम दोनों इधर आओ, हाथ लगाओ. कैमरा. उस बच्चे की तरह वो भी मेरे घर के पास रहता था. उसका नाम नहीं जानती पर जब भी मैं उदास होती मुझे हंसाने आ जाता. पहली बार मैं उसकी वजह से हंसी और अब आज तुम्हारी वजह से. असल में मैं खुद को जाहिर नहीं कर पाती. बचपन से ही घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं हमेशा अकेले रही, कोई बात करने के लिए नहीं था. मैं बस खुद से ही बात करके वक्त काटती थी. मैं दूसरों के सामने कभी खुद को जाहिर नहीं कर पाई पर किसी से अपने मन की बात कहकर बहुत अच्छा महसूस होता है. लेकिन बात करने के लिए कोई अपना भी तो चाहिए ना. पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कहने को मन किया. थैंक्स फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ.
मस्ती, जिंदगी है मस्ती। पांच दिन तो यूं ही निकल गए ना। हरी, आंटी मंदिर गई है। थैंक यू। कम। पहली बार मैं शैलू को अपने घर लेकर आया। हम इस घर में 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज इस घर में कुछ नया लग रहा था। क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? कॉफी। आ गया था, आते ही सो गया था। आप भी ना। मॉम, शैलू। नमस्ते। हेलो। हाय। हाय। हरी तुम्हारी बहुत बातें करता है, कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ आंटी। मुझे ही नहीं, घर में सबको शैलू बहुत पसंद आई। मैं और देर नहीं करना चाहता था, उससे वो कहना चाहता था जो बचपन में नहीं कह पाया था। एक्सक्यूज मी। हेलो शैलू, जल्द से जल्द घर आ जाओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, आ रही हूँ। हरी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। मैं ड्रॉप कर देता। रहने दो हरी, मैं चली जाऊंगी। बाय आंटी। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय हरी। बाय। बाय। हे कीर्ति, हाय। मैं 2 दिन से शैलू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो ऑफिस आई है? वो ऑफिस तो नहीं आई। ओके, अगर उससे बात होती है तो उसे मुझे फोन करने कहना। हाँ, श्योर, बोल दूंगी। या, थैंक्स। बाय। बाय। पता नहीं अचानक क्या हो गया था, शैलू अपना फोन नहीं उठा रही थी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। ये 4 दिन मेरे लिए 4 महीने के बराबर थे। काश लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता तो लाइफ को तब तक फॉरवर्ड करता जब तक शैलू के पास ना पहुंच जाता और वहां से प्ले करता। प्यार में पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे एग्जाम्स एक साथ दे रहा था। ये अलग बात है कि यहाँ सब्जेक्ट लव था। अब तक क्या हुआ आप सब जानते हैं, अब साथ मिलकर देखते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके आने का वक्त हो गया। hey, तूने मुझे धोखा दिया। लड़ने आया है? ड्यूएट गाने आया हूँ। मूड नहीं है यार। मूड मतलब? मैं यहां तेरा मूड बनाने नहीं आया हूं। प्लीज मेरी हालत समझ, वैसे ही शैलू को प्रपोज करने की टेंशन हो रही है। ये शैलू कौन है? जैसे तेरी सुचित्रा है ना, वैसे मेरी शैलू है।
कैसे हो तुम? शैलू कहाँ चली गई थी? एक हफ्ते से गायब, फोन नहीं उठा रही थी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। थोड़ा सा काम आ गया था। ओ, ओके। क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे? लंच किया? हरी, क्या बात है बोलो। तुम्हारे आने से पहले कुछ कहना चाहता था, पर अब तुम सामने खड़ी हो तो पता नहीं कैसे कहूं। अब तक मेरी लाइफ में जो भी लड़की आई है उसे बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना रुके प्रपोज कर देता था। फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा और जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। उसे क्या कहते हैं जो 5-स्टार होटल्स में टेस्टी चीजें बनाकर सबको खिलाता है? उसको बावर्ची बोलते हैं ना। मैंने पूछा। हाँ, एक शेफ। तुम सोच रही होगी प्यार में शेफ कहाँ से आ गया? मेरा प्यार कुछ शेफ की जिंदगी जैसा ही है। एक शेफ रोज न जाने कितनी चीजें बनाता है, हजारों डिशेस चखता है, लेकिन उसका पेट घर के दाल चावल से ही भरता है। मेरी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई, पर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया। मुझे तुम्हारी कुछ इस तरह आदत पड़ गई है। जब भी हम मिलते हैं और तुम जो भी मुझसे कहती हो वो सब अगली मुलाकात तक दिमाग में चलते रहता है, और जब तुम आंखों के सामने होती हो तो जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। बिल्कुल ऐसे, मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये फीलिंग हमेशा रहे। लव यू शैलू। ये सब क्या है हरी? तुम भी बाकियों जैसे निकले, थोड़ी क्लोज क्या हुई, इसे प्यार समझ बैठे? कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब तक तुम चलो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज झूठ मत बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुमने जो अभी कहा वो प्रॉब्लम है। मुझे लगा कुछ जरूरी काम है, अगर पता होता ये काम है तो आती ही नहीं। पर तुम्हारा वो मुस्कुराना, मेरे साथ खुश रहना, वो सब तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि तुम अच्छे लगते हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब? तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। समझने के लिए पहले बताना तो होगा ना, बताओ मुझे। I love you, but I'm not in love with you. हाँ? कहा था ना तुम नहीं समझोगे। ए! दिखता नहीं है यहाँ सीरियस बात चल रही है, बाद में बात करेंगे। हम तेरे लिए नहीं आए हैं, इस लड़की के लिए आए हैं। लड़की के लिए? लेकिन क्यों? अबे तू नहीं समझेगा, निकल यहाँ से। इसकी बात समझ में नहीं आएगी, तेरी बात समझ में नहीं आएगी, तुम लोगों को मैं येड़ा लगता हूँ। तेरी तो सब समझ में आ गया ना? भाई ने हमें भेजा था, उन्होंने इस लड़की को उठाकर अपने पास लाने को कहा था। अबे निकलो भाई, अबे निकलो यार, बहुत डेंजर आ गया है। ये सब क्या है शैलू? कौन है ये लोग? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। हरी बस, अब जब मुझे पता चल गया है मुझे लेके तुम क्या फील करते हो, अब मिलना या फिर बात करना ठीक नहीं होगा। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। शैलू को पहली बार देखते ही मैंने सोचा था कि उसे बार बार नहीं मिलूंगा। तब मुझे लगा था जैसे ईश्वर होता है पर प्यार नहीं, लेकिन अब जब वो मुझे छोड़कर चली गई है तो यकीन हो गया है कि सिर्फ ईश्वर है, प्यार कुछ नहीं।